welcome to my channel so today in this video we will study about purpose of evaluation and i will try to teach the topic in a more effective way so you can learn better and get good understanding of a particular topic if you will have any doubt at the end of the topic you can ask questions in comment box i will try to resolve your doubts so let's get started the topic without wasting any time सो so, आज हम स्टडी करने वाले हैं पर्पस ऑफ इवेलुएशन सो इवेलुएशन की हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन देखी तो आज हम देखेंगे कि इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में सो so, फर्स्ट इसका पॉइंट है इन डायरेक्टिंग एज वेल एज गाइडिंग टीचिंग लर्निंग मीन्स ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को गाइड करता है सो इवेलुएशन रिवील्स द स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टीचिंग एंड लर्निंग इट इज डायग्नोस्टिक इन नेचर सो so, ये हमारी जो इवेलुएशन है ये हमारी टीचिंग लर्निंग की जो हमारी स्ट्रेंथ है हमारी वीकनेस है हमारी ताकत कमजोरी उसको ये शो करता है रिवील करता है और ये एक डायग्नोस्टिक इन नेचर है मींस ये उसको ठीक करने में भी हेल्प करता है सेकंड टू मेजर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन कि जो टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसकी कोई रिलायबिलिटी है मतलब कि वो ठीक तरह से पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है so it is essential to evaluate all activities of the teacher in the light of their adequacy to promote the democratic way of life and on how nearly do the students realize the objective of education तो ये जरूरी है टीचर की हर एक एक्टिविटी को इवेलुएट एक करना कि जो वो टीच कर रहे हैं वो बच्चों तक सही से पहुंच रहा है कि नहीं पहुँच रहा और जो हमारे लर्निंग टीचिंग लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं एम्स हैं हमारे वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सो द मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग फाइंड्स इट्स ग्रेट वैल्यू इन द पॉसिबिलिटीज इट ऑफर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग तो देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कि हमें हाँ इस पॉइंट पे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे कुछ हमारे पास रेमिडियल रिसोर्सेज भी होंगे ताकि हम उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकें जिससे कि कोई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमारी कोई भी प्रॉब्लम ना आए

कोई भी जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है तो उस उसके लिए हम कौन सा एड यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी उसके लिए भी इवेल्युएशन ज़रूरी होती है जब हम इवेलुएशन करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये एड यूज़ होना है ठीक है so, सो इससे हमारी जो आ, हमारे जो सक्सेस के चांसेस हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं ठीक है so, सो इससे हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ में हेल्प मिलती है हमें फोर्थ इज़ स्टमुलेट स्टूडेंट स्टडी तो जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसको और स्टिम्युलेट करना मीन्स और उसको आगे बढ़ाना सो अ क्वेश्चनिंग टीचर क्रिएट्स इन फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न मोर तो क्वेश्चनिंग टीचर्स मीन्स जो टीचर क्वेश्चन पूछता है हर टॉपिक में से जो भी उसने टीच किया है तो जिससे बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है सो बाई ऑरल और रिटर्न एग्जामिनेशन ही सेट्स अप इफेक्टिव एंड डेफिनेट गोल्स फॉर हिज स्टूडेंट विच कंपेल्स देम टू स्टडी हार्डर एंड गेट बेटर वर्क तो देखिए अलग अलग जो हमारे टेस्ट होते हैं औरल रिटर्न इन सब से बच्चों को और वो होता है कि हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमको इस तरह से इसको स्टडी करना चाहिए सो so, ये हमारी स्टूडेंट की स्टडी को स्टिमुलेट करता है और इन्हांस करता है फिफ्थ इज़ इवेलुएशन इज़ यूज टू इन्फोर्स एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स अपॉन द इंडिविजुअल और क्लास सो इवेलुएशन एक तरह का एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है जो बच्चों को और इन्फोर्स करता है कि हम आ, हर एक बच्चे पर ध्यान दें अ बेटर मेथड ऑफ इवेलुएशन कैन इनकरेज अ फ्लेक्सीबल करिकुलम विच इज़ रिक्वायर टू ब्रिंग द चेंजेस नीडेड फॉर द मॉडर्न लाइफ एंड टू द वेरिएशन इन द लोकल कंडीशन तो देखिए जब हम इवेलुएशन करते हैं तो इससे हमारे करिकुलम का भी पता चलता है कि जो हमारा करिकुलम है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो हमने करिकुलम बनाया है पर्टिकुलर क्लास के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो सब कुछ सही है कि नहीं है सो so, अगर अगर उसमें कोई भी हमको प्रॉब्लम नजर आती है इवेलुएशन के बाद तो हम उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं सो so, ये हमारी फ्लेक्सिबल करिकुलम को इंकरेज करता है जिससे कि हमारी जो मॉडर्न लाइफ है उसके हिसाब से हम उसमें चेंजेस ला सकें सिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड पीपल्स इससे हमें बच्चों को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है इवेलुएशन हेल्प्स पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड पीपल हिज ग्रोथ इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल तो इवेलुएशन से पेरेंट्स को पता लगता है कि उनका बच्चा कैसा है उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है उसका इंटरेस्ट किस में है उसकी पोटेंशियल क्या है सो so ये सारी चीजें हेल्प करती हैं सेवेंथ इवेलुएशन हेल्प्स टीचर्स टू डिस्कवर द नीड्स ऑफ द पीपल इवेलुएशन से टीचर को हेल्प मिलती है कि वो बच्चों की नीड्स का पता लगा सके सो इवेलुएशन हेल्प्स टू डिस्कवर द नीड्स ऑफ द पीपल बींग इलुएटेड एंड देन टू डिजाइन लर्निंग एक्सपीरियंस दैट विल सेटिस्फाई देयर्स नीड्स पहले तो उनकी ज़रूरतों को पता लगाया जाता है उसके बाद मीन्स इवेलुएशन के बाद सबको पता लगाया जाता है कि उसकी नीड्स क्या हैं उसके बाद ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन किया जाता है जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके एर्थ इट हेल्प्स टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर इफेक्टिव cooperation बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स तो ये हेल्प करता है हमारे पेरेंट्स और टीचर के बीच में कॉपरेशन बनाए रखने के लिए सो द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर प्रेजेंट सोसाइटी हैज़ इन्फोसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ़ द स्कूल द होम एंड द कम्युनिटी इन मेकिंग सिग्निफिकेंट एजुकेशनल प्रोग्रेस तो देखिए हमारी एजुकेशन में प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब हम हमारे बीच में कॉपरेशन होगा मीन्स पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में पेरेंट्स और स्कूल के बीच में हर चीज़ में कॉपरेशन होगा तभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रोग्रेस होगा

तो जो काउंसलर होता है उसको बच्चे के बारे में पता लगता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए सही गाइडेंस देने की कैसे जरूरत है कि उसको क्या गाइडेंस दी जाए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए टेंथ यूजफुल फॉर रिसर्चर सो इवेलुएशन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट टीचिंग मैथड्स इन इम्प्रूविंग कोर्स एंड करिकुलम सो इवेल्युएशन से रिसर्चर्स को हेल्प मिलती है एजुकेशन की फील्ड में देखिए जब इवेल्यूशन uh, से उन्हें भी ये पता लगेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं तो वो हमारे कोर्सेज में हमारे मेथड्स में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे अब देखिए अब हम बात करेंगे कि टीचर्स के लिए कैसे हेल्पफुल होता है सो इवेलुएशन इनेबल्स टीचर टू अंडरस्टैंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द्लिशमेंट ऑफ द टोटल गोल्स और एम्स ऑफ द स्कूल सिस्टम इवेलुएशन से टीचर्स को ये पता लगता है कि हमारे जो एम्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं गोल्स हैं वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं सेकेंड इट असिस्ट द टीचर फॉर टेकिंग इंस्ट्रक्शनल डिसीजन रिलेटेड टू द मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस डायग्नोजिंग लर्निंग डिफिकल्टीज डिटर्माइनिंग द नीड फॉर रेमिडियल मेजर्स एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द लर्निंग एन्वायरमेंट ये टीचर को असिस्ट करता है कि कौन कौन से हम उन्हें इंस्ट्रक्शनल डिसीजन लेने चाहिए किससे रिलेटेड बच्चों की प्रोग्रेस से रिलेटेड और उनको कैसे उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज को डायग्नोस किया जाए और उनकी उनके लिए जो रेमेडियल मेजर्स हैं कौन कौन से इनको रेमेडियल मेजर की ज़रूरत है और उनकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए थर्ड इवेलुएशन हेल्प्स द टीचर टू कोऑर्डिनेट हिज एफर्ट्स विद द एफर्ट्स ऑफ अदर्स हु कंट्रीब्यूट टू द जनरल एजुकेशन गोल्स इवेलुएशन से टीचर को हेल्प मिलती है कोऑर्डिनेशन बनाने में कि उनका जी एफर्ट है वो दूसरों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है ट्वेल्थ हेल्पफुल टू एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर के कैसे हेल्पफुल होता है सो इवेलुएशन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द एडमिनिट्रेटर फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग और प्रमोटिंग स्टूडेंट टू हायर ग्रेड एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प मिलती है कि इवेलुएशन के हिसाब से बच्चों को हायर ग्रेड में प्रमोशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइडिंग इन सर्विस ट्रेनिंग टू टीचर्स एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी फैसिलिटीज इन इंस्टीट्यूशन तो ये सारी चीज़ें हम इवेल्यूएशन से पता लगा सकते हैं और ये सारी प्रॉब्लम ये जो सारी कमियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा कर सकते हैं हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट सो इवेल्यूएशन हैज़ अकाउंटेबिलिटी टू सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मार्केट सो इम्प्लॉ से हमारी जो इम्प्लॉयमेंट मार्केट में रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयमेंट मार्केट रिगार्डिंग द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड दियर वेरियस पर्सनैिटी करेक्टरिस्टिक्स तो इससे ये भी इवेल्यूशन से ये भी हेल्प मिलती है एम्प्लॉयमेंट मार्केट में कि कोई भी जो आ, कोई भी स्टूडेंट है वो कैसा है उसकी एकेडमिक अचीवमेंट्स कैसी हैं उसके अंदर क्या पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी कैटेगरी से आता है सो so ये सारी चीज़ें इवेल्यूशन से पता लगती हैं इन्फॉमेशन टू हायर अथॉरिटीज़ सो इवेलुएशन प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द यूनिवर्सिटी और बोर्ड रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग तो इससे हायर अथॉरिटी को हेल्प मिलती है कि हमारी जो आ, हमारी लर्निंग में और हमारे इंस्ट्रक्शन में क्या वीकनेस है क्या स्ट्रेंथ है तो जिससे जो हमारी जो कुछ प्लान्स होते हैं उनको रीप्लान किया जा सके फिफ्टीन सपोर्ट फॉर द स्कूल फ्रॉम गवर्नमेंट्स सो इवेलुएशन हेल्प्स इन सिक्योरिंग सपोर्ट फॉर द स्कूल फ्रॉम गवर्नमेंट लोकल और नेशनल सो द पीपल फ्रीकुंटली कंप्लेन दैट स्कूल्स इन अवर कंट्री आर इनएकली सपोर्टेड तो देखिए इवेलुएशन से ये भी हेल्प मिलती है कि कौन सा स्कूल कैसा है उसमें लर्निंग का स्टैंडर्ड कैसा है बच्चे उसमें कैसे हैं उनको क्या पढ़ाया जा रहा है तो ये सारी चीजें इवेलुएशन से पता लगाई जा सकती हैं सो दिस इज ऑल अबाउट